हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान शंकर और माँ पार्वती के पुत्र, जो स्वयं भगवत गीता और महाभारत के लेखक हैं, तथा भौतिक जीवन में आने वाले सभी कष्टों को भगवान गणेश जी हरते हैं। भारत पर शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पांडालों में रत्न आभूषणों से सुसज्जित भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, और उनके मंदिर के सामने भगवान के लंबी लंबी कतारें लगी होती है उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की एक विशाल झांकी निकाली जाती है, जिसमें श्रद्धालु झूमते हैं, नाचते हैं और उसमें मगन होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाते हैं। और भगवान गणेश से अगले साल आने के लिए कहते हैं कि हे बप्पा, अगले साल भी हमें अपनी सेवा का मौका जरूर दे। और इस प्रकार सभी भक्तगण भगवान गणेश की प्रतिमा को समुन्दर या नदी में विसर्जित करते हैं। गणेश चतुर्थी सामाजिक त्योहार ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों को एकजुट करना है। गणेश चतुर्थी एक ऐसा त्योहार है जो कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। एक बार श्री वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को भगवत गीता लिखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन गणेश जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर बोले ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन वेद व्यास जी आपको उसके लिए लगातार बोलते रहना होगा। वेद व्यास जी बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। फिर क्या था, वेद व्यास जी निरंतर बोलते गए और भगवान गणेश लिखते गए। इसीलिए महाभारत जो रचित हमारा काव्य है, ग्रंथ है, उसे वेद व्यास जी के नाम से जाना जाता है। वेद व्यास जी ने बोला था, ये बहुत कम लोगों को पता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, लेकिन वेद व्यास जी ने लिखा नहीं था, सिर्फ उसका वर्णन किया था और लिखा उसे भगवान गणेश जी ने था। गणेश को विघ्नहर्ता बहुत सारे नामों से जाना जाता है। भगवान गणेश से हम बुद्धि, ज्ञान, विद्या, हर तरह की कामनाओं के लिए उनकी पूजा करते हैं। और भगवान गणेश अपने भक्तों की सुनते भी है और उनकी हर मनोकामना पूरी भी करते हैं। आप सभी को मेरी और जगन्नाथ टीवी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।